गोविंद महतो। गोविंद महतो, तुम्हारा समय शुरू होता है। पहले तुमको जानकारी देने की, ये तीनों के बारे में पता है ना, 4 मिनट तक ये चलेगा और 5वें मिनट में जैसे ही शुरू होगा येलो जलेगा, उसके बाद 5 मिनट खत्म होने के बाद रेड जलेगा। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। बहुत बहुत धन्यवाद देवियों सज्जनों। ए बाबा, मैं बहुत खुश हुआ बाबा, आप सबों ने मेरा इंतजार किया बाबा। मुझे लगता है कि आप सभी मेरा इतना इंतजार किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोलेगा क्या बोलेगा थी? मैं ये बोलेगा कि कोई तो आएगा और फिर जाएगा। ए देवा रे देवा, ए राजपाल, ए देवा, बाबू भैया ये राजू को समझाना रे बाबा। क्या हुआ बाबू भैया? वानखेड़े स्टेडियम में दर्शकों का खचाखच भीड़ है, वहां कमेंट्री बॉक्स में बैठे बलविंदर सिंह जो बैटिंग करते हैं वो है हमारे बाहुबली, और जो बॉलर है वो है हमारे परेश भाई बॉलिंग करते हैं। जैसे ही वो बॉलिंग करते हैं बाहुबली ने बल्ला घुमाया और ये क्या बॉल 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 बॉल। अच्छा, बहुत अच्छा है, ए माता है, बहुत 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 अच्छा। जब मैं रास्ते से आ रहा था तो मुझे आर्मी वैन दिखाई दी, उसका कुछ आवाज इस तरह था, मैंने सल्यूट किया और आगे बढ़ा। फिर मैं आगे आया तो मुझे एक ट्रेन की आवाज सुनाई दी, ट्रेन नजदीक आ गई। फिर मुझे समझ आया कि ये तेज गति वाली ट्रेन, इसके आवाज को कैसे ऑब्जर्व किया जाता है। फिर मैं आगे बढ़ा तो मैं खटाल में गया, वहां का आवाज कुछ इस तरह था, मम्मी के साथ मैं गया सब्जी लेने, वहां का आवाज कुछ इस तरह था, फिर मैं वहां से आगे बढ़ा, मैं बाथरूम गया, वहां नल जैसे ही मैंने चालू किया मुझे लगा कि अब मैं तो पैर हाथ नहीं धो पाएगा, तब क्या करें। फिर मैं गया तालाब में,
तो वहां मुझे कुछ चिड़ियों की आवाज सुनाई दी। मैं तो समझ नहीं पाया ये किस चिड़िया का आवाज है। मैं वहां से भाग चला, एक पुरानी हवेली दिखाई दी, मैं वहां घुसा तो मुझे वहां कुछ इस तरह का आवाज सुना दे। मेरा हार्ट बीट इतना बढ़ गया, मुझे लगा कि ये मेरा हार्ट बीट नहीं है। फिर मुझे पता चला बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ये